हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। तो फाइनली आज आपको यहां पे बोनस मिलते हुए नज़र आ गया है, शेयर का प्राइस भी आपको कम होते हुए नज़र आ गया है और बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में कुछ ऐसा सिनेरियो आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपको करीबन 60% की गिरावट या 60% के नेगेटिव रिटर्न्स आपको अपने पोर्टफोलियो में IEX में देखने को मिल रहे होंगे। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या नज़र आती है, क्या सच में आपको इतना लॉस हुआ है या फिर इसके पीछे कोई ट्रिक है, ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। और अब यहां से क्या हमें IEX में बाई करनी चाहिए या फिर अभी इसमें हमें सेल करके निकल जाना चाहिए, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको इस कि कहानी के पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अभी बहुत सारे लोगों के जो डीमैट है उसमें ऐसा शो हो रहा होगा कि आपको जो IEX है उसमें करीबन 60% या उससे भी ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर जो मेन रीज़न निकल के आता है वो ये है कि जब भी कंपनी कोई भी बोनस अनाउंस करती है किसी भी पर्टिकुलर रेशियो में, तो उस पर्टिकुलर रेशियो में जो शेयर का लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है वो डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें कल के क्लोजिंग प्राइस की, जो कि निकल के आता है 729, और जो रेशियो यहाँ पे दिया है वो दिया है 1:2। यानी कि अगर आपके पास एक शेयर था तो आपको 2 एडिशनल शेयर एज अ बोनस कंपनी यहाँ से प्रोवाइड कराएगी, तो टोटल जो क्वांटिटी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 3। तो 729 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 3 से तो वो निकल के आता है 243। और अभी का अगर हम यहाँ पे प्राइस लेके चले जो कि आपको यहाँ पे करीबन 261 के आसपास नज़र आएगा, उसको अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 3 से तो आपकी जो प्राइस निकल के आती है 783 की, जो कि कल आपकी प्राइस थी 729 की। तो यहाँ पर शेयर का जो प्रॉफिट निकल के आता है करीबन 54 के आसपास निकल के आता है। तो यहाँ पे आपको ये जो नेगेटिव रिटर्न शो हो रहे हैं उसको एडजस्ट होने में T+2 days का टाइम लग सकता है। 2 दिन के अंदर अंदर आपका जो सेटलमेंट है डीमैट में वो आपको होते हुए नज़र आने वाला है और यहाँ से आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉस नहीं हुआ है बल्कि एक दिन में करीबन 54 रुपये के आसपास पर शेयर पे प्रॉफिट होते हुए नज़र आ रहा है। तो सबसे पहला क्लैरिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है कि आपको यहाँ पे लॉस नहीं है, पूरी तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अपडेटेड शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो करीबन 259 के आसपास ये शेयर आपको ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है बोनस के एडजस्टमेंट के बाद। करीबन 7% तक की तेजी आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रही है। एक टाइम पे आपको 9% से भी ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि मार्केट चल रहा है तो आपको इसमें थोड़ी सी जो करेक्शन है वो आते हुए नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे मार्केट के बारे में भी एक बारी नज़र डाल लें तो आज मार्केट में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है मिड कैप को छोड़ के, यानी कि सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, तीनों ही आपको इंडाइसेस में थोड़ी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है और जो निफ्टी मिड कैप है उसमें आपको एक थोड़ा से पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ यहां पे आपको देखने को मिल रहा है अपसाइड मूवमेंट। वहीं आज अगर वैल्यू वाइज देखें कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आपको भयंकर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो IEX आपको सबसे पहले नजर आ रहा है, फिर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज नजर आ रही है, फिर ICICI बैंक और जी एंटरटेनमेंट, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको आज भयंकर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे बोनस का अनाउंसमेंट हो चुका है अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। तो मैं पहले थोड़े से आपको फंडामेंटल्स बता देता हूँ कंपनी के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अगर आप यहाँ पे नज़र डालोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो
बहुत बेहतरीन ग्रोथ दिखा रहा है। यहाँ से आप देख पाओगे कि एक टाइम पे जो 131 करोड़ के आसपास था, वो आज यहाँ पे आपको करीबन 206 करोड़ के आसपास केवल प्रॉफिट नज़र आ रहा है। डबल के आसपास का आपको यहाँ पे करीबन जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है। प्लस रेवेन्यू में जो शानदार ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, तो डायरेक्टली यहाँ से पता चलता है कि जो कंपनी है वो यहाँ से एक ऐसे नंबर्स दिखा सकती है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को बना के दे सकती है आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर। वहीं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग्स नहीं दिखाई देती है। वहीं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो करीबन 16% के आसपास की होल्डिंग्स देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर माना जाता है। और यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली म्यूचुअल फंड्स अपनी क्वांटिटीज़ को इनक्रीज करते हुए नज़र आ रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी बात करें तो 6% के आसपास की है। FIIs ने यहाँ पे अपना बहुत बड़ा इंक्रीमेंट किया हुआ है, करीबन 39% के आसपास आपको यहाँ पे FIIs की होल्डिंग्स देखने को मिल रही है। रिटेलर्स ने भी अपना यहाँ पे बहुत अच्छा खासा एलोकेशन किया है, करीबन 39 के आसपास यहाँ आपको रिटेल्स एंड अदर सेगमेंट के एलोकेशन देखने को मिल रही है। अब जैसे कि यहाँ पे बोनस आ चुका है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करीबन 59 के आसपास शेयर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। अब इसमें रिटेलर्स और ज़्यादा एंट्री करने वाले हैं और शेयर में अच्छा खासा जो वैल्यूएशन है या फिर अगर आप देखो फ्लक्चुएशन भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आपने कल की डेट पे यहाँ पे बाइंग की होगी तो मेरे ख्याल से आज आपको बोनस शायद ही मिला होगा, क्योंकि जब तक आपके डीमैट में क्वांटिटीज़ नहीं होती तब तक आप एलिजिबल नहीं होते हो बोनस के लिए। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो इसकी एक्स डेट है यानी कि एग्जीक्यूशन डेट है वो आपको 3 दिसंबर निकल के आती है, तो उससे करीबन आप यहाँ पे अगर देखोगे रिकॉर्ड डेट निकल के आ रही थी वो 26 नवंबर के आसपास की निकल के आ रही थी, यानी कि 26 नवंबर से पहले तक आपके पास IEX के शेयर्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे इसके बोनस के लिए। तो जिन भी लोगों ने 24 नवंबर के आसपास अपनी ट्रेडिंग कर ली होगी, इसमें अपना एलोकेशन इंक्रीज कर लिया होगा, आज उनको यहाँ पे बोनस शेयर मिल गया होगा और करीबन एक शेयर पे जैसा कि मैंने आपको बताया 54 रुपये यानी 54 रुपये का प्रॉफिट होते हुए नज़र आ रहा है। तो जितने भी आपके पास शेयर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली अगर अभी आपके में जो डीमैट में मैंने आपको पहले कहानी बताई है कि आपको लॉस दिखा रहा होगा, तो वो T+2 डेज के अंदर सेटल हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे कि क्या आपको भी ऐसा कुछ शो हो रहा है अपने डीमैट में या फिर नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या आपको वहाँ पर प्रॉफिट शो हो रहा है या फिर लॉस शो हो रहा है। तो IEX की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, रिकमेंडेशन हर किसी की इस पर बाइंग की निकल के आ रही है, लेकिन अपनी रिसर्च के बाद या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर के बाद ही यहाँ पर आप इन्वेस्ट करें। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।